शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया खबर। बढ़ते पहली खबर की तरफ, और पहला खबर है वेदांता की तरफ से, और इन लोगों ने पार्टनरशिप किया है फॉक्सकॉन के साथ ताकि ये लोग इंडिया में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। वैसे इनका ये कहना है कि 2025 तक ये लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि 2025 तक आपको वेदांता की तरफ से सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलेगा मार्केट में। और इनिशियली ये लोग अभी $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, फिर जाके ये लोग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि टोटल $10 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट ये लोग आने वाले 5 से लेकर 6 सालों के अंदर में करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में। और अगले जो आने वाले 10 साल होंगे उनमें ये लोग और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। यानी कि टोटल वेदांता $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है सेमीकंडक्टर में। वैसे इस पार्टनरशिप में वेदांता का शेयर है 60% का और फॉक्सकॉन का शेयर है 40% का। अगला खबर है इंडिया मार्ट को लेके, और रिपोर्ट का यह दावा है कि इंडिया मार्ट सेल कर रहा था फेक सामान को अपने वेबसाइट में। वैसे ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपने तो इसका नाम सुना ही होगा, इंडिया मार्ट। इस तरह का इंसिडेंट कोई नया बात नहीं है। इससे पहले ड्रग रेगुलेटरी ने भी एक नोटिस इशू किया था इन ई कॉमर्स कंपनीज़ को, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, क्योंकि ये लोग फेक प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट में, अपने ऐप में बेच रहे थे। वैसे क्या आपने कभी ई कॉमर्स में ऑर्डर किया और आपको फेक प्रोडक्ट मिले या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला खबर है ई कॉमर्स कंपनी डील शेयर की तरफ से, और इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट हासिल किया है $45 मिलियन का अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से। यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $45 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है डील शेयर में। वैसे ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपको इसका ऐप या फिर आपको इसका वेबसाइट तो मिल ही जाएगा इंटरनेट में। इन लोगों ने 3 सालों के अंदर में 10 मिलियन कस्टमर को गेन किया है, और ये लोग ऑपरेट करते हैं 10 स्टेट्स के 100 सिटीज़ में। आने वाले दिनों में ये लोग इन इन्वेस्टमेंट से अपना जो नेटवर्क है उसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आपको ई कॉमर्स में भी काफ़ी ज़्यादा नए नए कंपटीशन देखने को मिलेगा। और ये लोग तो नए कंपनी है, तो आपको इनके वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते में डील देखने को मिल सकता है। अगला खबर है ट्राई के डाटा से रिलेटेड, और ट्राई के डाटा से हमें यह पता चलता है कि रिलायंस जियो को लॉस हुआ 1.29 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर्स, और उनका अब टोटल सब्सक्राइबर्स है 41.57 करोड़। वहीं अगर वोडाफोन आइडिया का देखें तो वोडाफोन आइडिया ने 16.14 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स को लॉस किए, और उनका अभी टोटल सब्सक्राइबर्स है 26.55 करोड़। और अगर वही एयरटेल को देखें तो एयरटेल ने गेन किए हैं 4.75 लाख करोड़ सब्सक्राइबर्स को, और उनका अभी टोटल सब्सक्राइबर्स है 35.57 करोड़। यानी कि दिसंबर 2021 में 1.28 करोड़ इंडिया में एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे आप जियो यूज़ करते हो या फिर वी यूज़ करते हो या फिर एयरटेल यूज़ करते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आपके वहाँ पे किस तरह का स्पीड मिलता है इन कंपनियों की तरफ से, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला खबर है नेक्स्ट यूनिकॉर्न को लेके, और यूनिफोर ये बन चुका है अब एक यूनिकॉर्न। इसका टोटल वैल्यूएशन हो चुका है $2.5 बिलियन का। वैसे यूनिकॉर्न बनने के लिए बस $1 बिलियन का वैल्यूएशन होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और इनका हो चुका है $2.5 बिलियन का वैल्यूएशन। ये कंपनी 2008 को स्टार्ट हुआ था, और ये कंपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करती है, कन्वर्जेशन ऑटोमेशन टूल बनाती है कंपनीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब कन्वर्जेशन ऑटोमेशन टूल होता क्या है, तो कन्वर्जेशन ऑटोमेशन टूल में मैं आपको बस एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, कन्वर्जेशन AI यानी कि कन्वर्जेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये क्या है, किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, किस तरह से अभी कन्वर्जेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों का जॉब छीन रहा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको इन कंपनीज़ के बारे में पता चल जाएगा किस तरह से ये लोग काम करते हैं और आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगला खबर है जियो की तरफ से, और जियो ने परचेस कर लिया है 17% स्टेक $200 मिलियन से, यानी कि 1500 करोड़ पे करके ग्लेंस का 17% स्टेक जियो ने परचेस कर लिया है। ग्लेंस एक ऐसा कंपनी है जो प्रोवाइड करता है मोबाइल लॉक स्क्रीन कंटेंट। जैसे कि जब आपका मोबाइल फ़ोन लॉक होता है तब आपके मोबाइल फ़ोन में अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कभी कभार, या फिर कभी कभार अलग अलग टाइप के वीडियोस या फिर फोटोज़ भी आते हैं जब आपके मोबाइल फ़ोन लॉक होता है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा मोबाइल फ़ोन है, अगर आप लोगों ने लॉक स्क्रीन कंटेंट को ऑन करके रखे हो, तो
आपका फ़ोन जब लो होगा फिर आप उसे जब ऑन करोगे तब आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के फ़ोटोज़ आते रहते हैं। ऑन करने का मतलब यह है कि सिर्फ पावर ऑन करना, फ़ोन को अनलॉक नहीं करना। लॉक स्क्रीन में ही ये ग्लेंस वाले अलग अलग टाइप के वीडियोज़ एडवर्टाइजमेंट कभी कभार देते हैं और कभी कभार फ़ोटोज़ भी आते हैं। और रिपोर्ट का ये दावा है कि आने वाले दिनों में जियो के जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे उनमें ग्लेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा। अगला खबर है डाबर की तरफ से। आपने डाबर के कई प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होगा और डाबर के जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्लास्टिक कंटेनर्स में ही आते हैं, प्लास्टिक बैग्स में ही आते हैं। और डाबर ने अब ये कहा है कि वो लोग 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुके हैं। यानी कि डाबर जितना प्लास्टिक्स को यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए उतना ही प्लास्टिक डाबर हर साल रिसाइकल भी करता है। जितना प्लास्टिक यूज़ करता है उतना ही प्लास्टिक ये लोग रिसाइकल भी करते हैं। इसलिए इन लोगों ने अब ये कहा है कि ये लोग प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुके हैं। इस तरह के अगर अलग अलग कंपनीज भी इनिशिएटिव उठाते हैं और वो लोग भी ये ट्राई करते हैं कि न्यूट्रल कंपनी बने, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बने, तो काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट को हेल्प मिलेगा। अगला खबर है SBI की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया चाइना से 50% अपना इम्पोर्ट को कम करता जाए तो इंडिया अपने GDP में $20 बिलियन का एडिशन कर सकता है। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ चाइना से 50% इम्पोर्ट को अभी हम कम कर देते तो हम अपने GDP में $20 बिलियन को ऐड कर सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा 2021 में हमने चाइना को काफ़ी कुछ बेचा, हमने चाइना को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए, लेकिन चाइना से हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट भी किए हैं। हमने चाइना से $65 बिलियन का इम्पोर्ट किया है 2021 में और चाइना को हमने एक्सपोर्ट किया है सिर्फ $39.5 बिलियन का। तो गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि PLI स्कीम के तहत हम लोग चाइना से डिपेंडेंसी कम करें और हमारा GDP और भी ज़्यादा बढ़े। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।